आपका नाम सर? मेरा नाम जगवीर सिंह, वीर सिंह। अच्छा, आप ये कौन सा पोस्ट ऑफिस है सर? ये गांधी आश्रम उपडाक का। सर पोस्ट ऑफिस में गंगा जल बेचा जा रहा है, उसके बारे में कुछ थोड़ा बताएंगे आप? ये जो है ना, क्या हेड ऑफिस से जो है जी, ये हेड ऑफिस से जो है आया है ये बोतल जो है, वहाँ से जो है हमें बेचने के लिए कहा गया है इसे। ये 30 रुपए की बोतल है और गंगोत्री से, गंगोत्री का ये गंगा जल है, लोग ले भी रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स है इसका? अच्छा है, मतलब अच्छे लोग ले जा रहे हैं। अच्छा, ले जा रहे हैं लोग। तो इसके बेचने के लिए कुछ पोस्ट ऑफिस ने कोई मतलब इस तरीके से प्रचार वगैरह कुछ किया लोगों को, या अपने आप ही वो हो रहा है? तो हमने तो अब बाहर जो है वो लगाया है, बोर्ड एक लगाया है गंगा जल बेचने के लिए। जी जी, और वहाँ रख रखी है जी, लोग बाग देखते हैं, ले जाते हैं। अच्छा, जैसे शिवरात्रि आ रही थी, शिवरात्रि में ज्यादा बिकने का कुछ वो है, उसके लिए कुछ अलग से स्टॉक वगैरह कुछ? स्टॉक तो काफी है। अच्छा, स्टॉक तो काफी है। पर डे कितना निकल जाता है? हमारे यहाँ तो एक दो बोतल निकलती है पर डे अभी अभी। हाँ, तो मतलब लोगों को अभी पता कम है? अभी पता कम है। 30 रुपए की बोतल? 30 रुपए की। वहाँ से जो है जी भाई, वहाँ से कुछ लोग नहीं जा पाते हैं, उन लोगों को जो है यहाँ मिल जाता है, तो आसानी से मिल जाता है पोस्ट ऑफिस से। जी जी, ये तो देखिए किस तरीके से जो है पोस्ट ऑफिस में गंगा जल बिक रहा है, और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है जो लोग हरिद्वार नहीं जा सकते हैं, और हरिद्वार नहीं जा सकते या मतलब जो रोज गंगा जल से भगवान का स्नान करवाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी पहल पोस्ट ऑफिस की तरफ से शुरू की गई है। और अभी जैसा कि अभी सब पोस्टमास्टर साहब ने बताया कि गंगा जल जो है यहाँ पर बिक्री के लिए रखा हुआ है, लोग बाग आ भी रहे हैं और खरीद भी रहे हैं, तो एक ये अच्छी पहल मानी जा रही है। और जिस तरीके से मतलब शिवरात्रि पे जो कांवड़ यात्रा होती थी, कांवड़ यात्रा पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, ऐसे में उन शिव भक्तों को बहुत राहत मिलेगी। पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये बहुत अच्छी पहल है, जिसमें वो लोग जो है शिव भक्त पोस्ट ऑफिस से गंगा जल खरीद के भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकते हैं, अपने शिव की आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। मैं राजस्थान पत्रिका के लिए मेरठ से KP त्रिपाठी।